हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा परिषद के तहत सभी भारतीयों को बीएड कोर्स करने के लिए फ्री एक कोर्स सुविधा लाया जा रहा है। ये स्कीम 2019 के तहत आपको मिलेगी। तो जल्दी जल्दी से आप सभी ये लोग इसे अप्लाई कीजिएगा और पूरा बीएड कोर्स जो 2 साल की होती है आपको फ्री एक कोर्स मिलेगी। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग इसी सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातों को आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आप पूरी बातों को समझ पाएंगे। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो योजना है, आप देख सकते हैं राज्य सरकार कल्याण विभाग योजना पर आधारित कार्यक्रम अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा जाति एवं अति पिछड़ा जाति सरकार। और देख सकते हैं ये रहा कोड है जो इस वैकेंसी के लिए है। यानी दोस्तों, जो लोग अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति और पिछड़ा जाति में आते हैं तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से ये सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, ये जो फॉर्म है, ऑल ओवर इंडिया का। आप देखते हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, लगभग दोस्तों पूरे इंडिया के लिए है। जितना इंडिया में स्टेट है सभी स्टेट के लिए है। तो आप आसानी से जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आप हर स्टेट वाले लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस रिलेटेड सारी बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों नीचे आते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन का शुल्क, जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा तो इसके लिए आपको 250 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। तो इस आते दोस्तों तो कुछ देख सकते हैं कॉलेज शुल्क एवं मिलने वाली सुविधाएं कुछ है वो बताया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 18 मार्च है, यानी कि आप 18 मार्च तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दाखिला प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने की तिथि 21 मार्च है। और कुछ इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर नोट है, विद्यार्थी अपने दाखिला की तिथि, समय एवं निशक दाखिला प्रवेश पत्र पर देखें। तो दोस्तों नीचे आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएड चयन अदर स्टेट आवेदन पत्र 2019। दोस्तों निःशुल्क शिक्षा परिषद के तहत आपको बीएड फ्री में करने के लिए बताया जा रहा है, जो अदर स्टेट यानी कि ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इससे क्या है रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सारी बातें जान लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप बीएड डीलेट से रिलेटेड कोई सा भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों जो कोर्स है, इस दोनों कोर्स रिलेटेड जो भी पल पल का अपडेट न्यूज आती रहती है, मैं सबसे पहले अपने चैनल के थ्रू आप लोग को अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो आपको बता रहा था वो बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्यार्थी से कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी और विद्यार्थियों की चुनाव 10th 12th और पार्ट 3 के बोर्ड की परीक्षा के अंक पर किया जाएगा। मेट सिर्फ 10th 12th और पार्ट 3 के पास विद्यार्थियों की ही मनाया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जो आपका मेरिट बनेगी वो 10th 12th और पार्ट 3 का जो एग्जाम होगा, इसके ऑल ओवर आपका मार्किंग के अनुसार मेरिट बनाया जाएगा। और जो विद्यार्थी मेरिट में आएंगे उन्हीं की दाखिला प्रवेश पत्र में चढ़ाया जाएगा, और जो मेरिट में प्रेजेंट होंगे तभी आपको उसमें दाखिला किया जाएगा। नेक्स्ट है, अपीयरिंग विद्यार्थियों की रैंक नहीं बनाया जाएगा, इन विद्यार्थियों की प्रवेश अपीयरिंग आधार पर किया जाएगा। और जब ये विद्यार्थी बोर्ड अंक में पास हो जाएंगे उनका रैंक कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, 3rd नंबर विद्यार्थी की सीट दिए गए स्थान की सूची में से आवंटित किया जाएगा। विद्यार्थियों को किसी भी राज्य में दाखिला दिए जा सकता है, इसमें पूर्णता निदेशक निर्णय निःशुल्क शिक्षा परिषद की होगी। दोस्तों देख सकते हैं ये जो कोर्स है, ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको सुविधा मिलेगी कि आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में आप कोर्स कर सकते हैं, या यूपी के रहने वाले या यूपी में, आपको रैंडम किसी स्टेट में दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो कोर्स है ये फिक्स किसी 5-6 पार्टिकुलर स्टेट में दिया जाएगा, आपको उसी स्टेट में जाना होगा और ये कोर्स को करना होगा, यानी कि आपको उसी स्टेट में आकर उसी कॉलेज में आकर बीएड कोर्स करना होगा 2 साल। सिंपल तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ। नीचे आते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 4 नंबर विद्यार्थी की कॉलेज के शुल्क 70,000 है, जिसमें से 50% आपको माफ कर दिया जाएगा, यानी कि 35,000 रुपया। और बीएड एवं एमएड कोर्स की अवधि 2 वर्ष की है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा है कि बीएड के लिए 2 साल का कोर्स है और एमएड के लिए 2 साल का कोर्स है। तो अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग 50% डिस्काउंट देकर आपको 50% पेमेंट करना होगा। यानी कि दोस्तों 70,000 फी है तो आपको 35,000 पेमेंट करना होगा और 35,000 माफ होगा। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बताया था, निःशुल्क है, लगभग दोस्तों आप देखते हैं 50% डिस्काउंट हो रही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को मेडिकल सुविधा निःशुल्क दिया जाएगा और आपका जो मेडिकल सुविधा वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, यानी कि निःशुल्क दिया जाएगा। नेक्स्ट, बीएड वाले विद्यार्थियों को स्नातक में 50% पास विद्यार्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों जो लोग बीएड करना चाहते हैं उनको कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन में 50% अंक लाना जरूरी है, कंपलसरी है। नेक्स्ट है, एमएड विद्यार्थी को बीएड में 55% अंक पास होना जरूरी है। और जो लोग एमएड करना चाहते हैं, साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं एमएड को भी साथ में पैरेलली लेके चल रहा हूँ, जो लोग एमएड भी करना चाहते हैं वो लोग बीएड में
55% लाना जरूरी है, तभी आप एमएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो शुरू शिक्षा परिषद है इसके तहत आप हर तरह का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा लाया जा रहा है और इसमें 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा नीचे। नेक्स्ट है, चयन किए गए विद्यार्थियों को दाखिला में ₹10,000 प्रति वर्ष जमा करना अनिवार्य है। काउंसलिंग निःशुल्क किया जाएगा। दाखिला शुल्क उन विद्यार्थियों को देना होगा जो विद्यार्थी काउंसलिंग में अपने कॉलेज की सीट प्राप्त कर लेंगे, और कॉलेज और काउंसलिंग के टाइम उन लोगों को पैसा देना होगा जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा कि आपको इस कोर्स के थ्रू कोर्स करना है, उसको पैसा देना होगा। तो दोस्तों नीचे कुछ बातें वो देख लेते हैं। ये कुछ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले कुछ सूचना दिया जा रहा है, इस सूचना को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं इसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन छोटा सा आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म है, इसी फॉर्म को आपको फिल करना होगा। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इसी बीच वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों देरी किस बात की, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार। नीचे आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं निःशुल्क शिक्षा स्कॉलरशिप ऑनलाइन है। चलिए इसे किस तरह से फिल करना है आपको वो बता देता हूँ। सिलेक्ट योर स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं। इसे मैं क्लिक करता हूँ तो लगभग इंडिया का टोटल स्टेट दिखा रहा है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना चूज कर लीजिएगा। देन अपना नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट ए स्टेट फॉर एडमिशन, और किस स्टेट से एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको मैं शुरू में बता दिया हूँ, जो ये डिग्री जो ये कोर्स है ये लिमिटेड स्टेट में दिया गया। आप देख सकते हैं पंजाब, मुंबई, चेन्नई, और इसी स्टेट के थ्रू आपको ये कोर्स करना होगा, यानी कि उसी स्टेट में जाकर आपको ये बीएड कोर्स करना होगा। नेक्स्ट है आपका जो नाम है वो डाल लीजिएगा, फादर या हस्बैंड नाम वो डाल लीजिएगा, मदर्स नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद अपना टेंथ का जो परसेंटेज वो डाल लीजिएगा, उसके बाद ट्वेल्थ का जो परसेंटेज वो डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना कास्ट अपना डाल दीजिएगा, जो कास्ट मतलब एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, जो भी हम आते हैं उसमें मेंशन कर दीजिएगा। देन अपना डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मतलब मेल या फीमेल वो डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दिया गया। स्ट्रीम आप किस स्ट्रीम से पास किए थे, कॉमर्स है, साइंस या आर्ट्स, जो भी है आप अपना मेंशन कर दीजिएगा। देन आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना कोर्स दोस्तों आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको बताया था बीएड, तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर बीएड चूज कर लीजिएगा। देन आप आसानी से अप्लाई कर दीजिएगा बीएड के लिए। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो आप देखते हैं काउंसलिंग सेंटर, आपके लिए जो काउंसलिंग सेंटर है कहाँ से चूज करना चाहते हैं दोस्तों, इसे क्लिक कर देख लेते हैं। ये रहा यहाँ पे कुछ चूज कर लीजिएगा अपना। उसके बाद देख सकते हैं कॉलेज प्लेस चॉइस, आप जो कॉलेज मिलेगा वो किस स्टेट में मिलना चाहते हैं वो आपको पूछा जा रहा है, तो आप अपना चॉइस यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। कुछ लिमिटेड स्टेट दिया गया दोस्तों, इसी स्टेट में आपको कोर्स करना होगा। देन स्टूडेंट मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर, पेरेंट्स मोबाइल नंबर, फादर पेरेंट्स मोबाइल नंबर आई थिंक सेम होते हैं दोस्तों। उसके बाद अपना परमानेंट या टेम्प्रेरी जो एड्रेस होता है वो फिल करना होगा। उसके बाद अपना स्ट्रीट एड्रेस फिल करना होगा दोस्तों। देन आप यहाँ पर सिटी फिल कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आप देखते हैं पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वन बाई वन करके आपको फिल करना होगा। तो दोस्तों इसी बीच वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे आते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं कुछ और बातें बताई जा रहा है। जो स्टेट है आपकी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना मेंशन करना होगा। पोस्टल, जीप कोड, जीप कोड दोस्तों सिंपल आपको पिन कोड पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको पिन कोड डालना होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो उनको पता नहीं होता है जिप कोड क्या होता है। एक्चुअली शुरू में मुझे नहीं पता चलता जिप कोड क्या होता था, तो मुझे पता चला तो ये होता है एक्चुअली पिन कोड, आपको यहाँ पे पिन कोड जानना होगा। देन है यहाँ पर कंट्री, सो ऑब्वियसली दोस्तों आपका इंडिया होगा तो यहाँ पर इंडियन एक ही ऑप्शन देगा, तो चूज कर लीजिएगा। देन आपका टेंथ इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पेरिंग है, जो अपना मार्कशीट है वो यस या नो, हाँ है तो यस, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं आप दोस्तों। देन आपका मार्कशीट है उसका स्कैनिंग यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्क ट्वेल्थ का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है, ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आधार कार्ड का अपलोड करना है, सब स्कैनिंग कॉपी आपको अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो होता है जो आपको अपलोड करना है, स्टूडेंट सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। और स्टूडेंट से दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्लिश में करना है, क्योंकि अगर हिंदी रहता है तो वहाँ पर मेंशन करता है हिंदी सिग्नेचर, यहाँ पर इंग्लिश आपको डालना होगा। देन दोस्तों आप देखते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसे रीड कर लीजिएगा। उसके बाद चाहते हैं दोस्तों तो टाइम दिया गया, यानी कि आप किस टाइम में इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जो भी रियल टाइम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। देन आपको डेट मेंशन करना होगा किस डेट को आप फिल कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में बताया गया है कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं ये साइबर के थ्रू फॉर्म कर रहे हैं, या इंटरनेट कैफे के थ्रू कर रहे हैं, या घर में फिल कर रहे हैं, या अपने दोस्तों का जो भी है दोस्तों आप अपना मेंशन कर दीजिएगा। ये ऑप्शनल, बस यूँ ही आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। देन उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अप्लीकेशन फी जो चार्ज है ₹250, यानी कि ₹250, इसको पेमेंट करना होगा। देन उसके बाद फाइनल दोस्तों यहाँ पर सबमिट कीजिएगा, फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये
दोस्तों, मैं आपको सारी बात तो क्लियर कर चुका हूँ। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझे कॉमेंट कर पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं सभी कॉमेंट का पर्सनली आंसर दूंगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो साथ, जहाँ पर फिर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताऊंगा या इसी तरह का अपडेटेड न्यूज बताने आऊंगा। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी।